हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू कोर्स ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज के वीडियो में हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हमारा न्यू कोर्स है उसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IoT बोलते हैं, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है इंटरनेट और सेकेंड है थिंग्स। तो हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट किसे कहते हैं, नहीं तो हम लोग इसको डिस्कस करने का कोशिश करते हैं कि इंटरनेट कहते किसको हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होता है। ठीक ना, हमारे पास कोई भी नेटवर्क है, जैसे हमारे पास एक लैपटॉप और हमारे फोन्स का एक नेटवर्क है, या फिर हमारे कुछ अदर गैजेट्स के साथ एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, और इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क्स हैं इस वर्ल्ड में, और वो सारे नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो हमारा नेटवर्क फॉर्म हुआ उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, और हमारा सेकेंड वर्ड है वो है थिंग्स। यहाँ पे थिंग्स किसको रेफर कर रहा है, तो यहाँ जो हमारा वर्ड है थिंग्स वो हमारे गैजेट्स को रेफर कर रहा है। जैसे हमारे पास जितने भी स्मार्ट गैजेट्स होते हैं, जैसे हमारा स्मार्ट वॉच हो गया, हमारा स्मार्ट फोन हो गया, फ्रिज हो गया, या हमारे पास स्मार्ट कूलर हो गया, हमारे होम में जितने भी हैं, या फिर हमारे पास स्मार्ट अदर गैजेट्स हो सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, या फिर हम लोग हेल्थ केयर में हम लोग स्मार्ट गैजेट यूज कर रहे हैं, तो वो सब जितने भी गैजेट हैं उसको रेफर करता है हमारा थिंग्स। तो ये कोर्सेस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितने भी स्मार्ट गैजेट थे उसको हम लोग इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करें ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग रिमोटली एक्सेस कर सके। ठीक है, और उसको रिमोटली कमांड कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस को डीपली समझने से पहले हम लोग आज इस वीडियो में सिलेबस को एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है इसको डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने कोर्स के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो इस कोर्स का पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास एक नॉलेज होना चाहिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, यानी कि ये जब हम लोग कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे तो हमारे पास एक बेसिक नॉलेज होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या और ये काम कैसे करता है। सेकेंड कि हम लोग गेन करेंगे एक नेटवर्किंग कैसे, कंप्यूटर नेटवर्क काम कैसे करता है या कंप्यूटर नेटवर्क होते कितने टाइप्स के हैं, ये सब नॉलेज को हम लोग गेन करेंगे। थर्ड क्या है, हमारे पास कुछ कोडिंग एक्सपीरियंसेस भी आ जाएगा इस कोर्स को कंप्लीट करते करते, जैसे हम लोग पाइथन का यूज करेंगे यहाँ पर अपने गैजेट्स को प्रोग्राम करने के लिए। अब हमारा जो सिलेबस है उसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है मेनली वो देखते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है हमारा उसमें हम लोग को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है जो कि है पाइथन। पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग इस कोर्स में यूज कर रहे होंगे अपने गैजेट्स को प्रोग्राम करने के लिए। सेकेंड वर्ड है हमारे पास IoT डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स। IoT डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे हो गया तुम्हारे पास AWS, Amazon का वेब सर्विस होता है, माइक्रोसॉफ्ट Azure होता है, ठीक ना, ये सब IoT डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, या फिर गूगल का गूगल क्लाउड होता है, ये सब को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे और ये वर्क कैसे करता है ये हम लोग समझेंगे। सेकेंड यूनिट में हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, जैसे MQTT होता है, मैसेजेस क्यू ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कौन कौन सा है जिसके मदद से हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, सेलुलर नेटवर्क हो गया, ये सब हम लोग सेकेंड यूनिट में डिस्कस कर रहे होंगे। वहीं पर हम लोग एक नोड MCUs के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम लोग Arduino और Raspberry Pi के बारे में पढ़े थे, वहीं पर हम लोग इसका एक अल्टरनेटिव है नोड MCU बोर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसको प्रोग्राम कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। थर्ड हमारा क्या है कि हम लोग सेंसर और एक्चुएटर के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, APIs के बारे में पढ़ेंगे और क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। यहाँ पर हम लोग एक OSI मॉडल आता है नेटवर्किंग के लिए, उसको हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और फिर हम लोग क्रिएशन ऑफ ए डेटाबेस, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ठीक है, और उसमें हम लोग डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और या फिर हमारे गैजेट जो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया है उसको हम लोग वहां पर एनालाइज या फिर उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे पाइथन के मदद से। वहां पर हम लोग मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करेंगे जो बाय डिफॉल्ट हमारे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा प्रोवाइडेड रहता है। ठीक है, तो इस कोर्स को करने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि आपको पहले से आना चाहिए ताकि आप इस कोर्स का बेस्ट ऑफ बेस्ट यूज कर सके और समझ सके। ठीक है, अगर इस कोर्स के करने से पहले आपको एम्बेडेड सिस्टम का नॉलेज है तो आप इस कोर्स से को अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इंटरनेट कैसे वर्क करता है,
ये भी एक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मेनली जितने भी टर्म्स यूज करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे वो सारे इंटरनेट वर्ड्स होंगे, इंटरनेट का जितना भी बेसिक टर्मोलॉजीज है ये इसके बारे में आपको एक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद किसी भी एक प्रोग्रामिंग नॉलेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग जनरली पाइथन यूज करेंगे, अगर पाइथन नहीं भी आता है तो हम लोग इस कोर्स में पाइथन में फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हम लोग इस पाइथन को डिस्कस करेंगे और पाइथन क्या है हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो पाइथन सीखना बहुत ईजी हो जाएगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करता है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है उसको डीपली डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपने नए कोर्स को स्टार्ट करेंगे।